हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। जैसा कि प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 4.3 कंप्लीट करी थी, टुडे वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 4.4। सो लेट्स स्टार्ट। सो एक्सरसाइज 4.4 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल। आपको क्वाड्रिलेटरल दिया रेडी करना है जिसमें डी ए है 4 सेंटीमीटर, ई ए 5 सेंटीमीटर, ए आर 4.5 सेंटीमीटर, एंगल ई 60 डिग्री, एंगल ए इक्वल टू 90 डिग्री। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक रफ फिगर ड्रॉ करेंगे, उसके बाद इस क्वेश्चन को कंस्ट्रक्ट करेंगे। रफ फिगर देखिए कैसे बनाएंगे। ये बनाया हमने डियर, DE 4 सेंटीमीटर, DE 4 सेंटीमीटर, EA 5 सेंटीमीटर, AR 4.5 सेंटीमीटर, एंगल E 60 डिग्री एंड एंगल A 90 डिग्री। सो अब देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हम जहां दोनों एंगल है उसे बेस में ले लेते हैं। 60 डिग्री और 90 डिग्री आपका किस पे है, ए ई पे। तो हम सबसे पहले लाइन ले लेते हैं ए ई 5 सेंटीमीटर, राइट। अब ई से 60 डिग्री का एंगल, ए से 90 डिग्री, तो 90 डिग्री आपको आता है बनाना सेमी सर्कल, मोर देन हाफ लेके कट यहां से यहां, ये आपका बन गया 90 डिग्री, राइट। इस लाइन को नाम दे दीजिए एक्स। अब ई से आपने 60 डिग्री का बनाना है, यहीं पे रखा कंपास, सेमी सर्कल बनाया, जितना ये मेजरमेंट था उतना यहां से कट लगाया, ये आपका बन गया 60 डिग्री का एंगल, राइट। अब देखिए क्या करना है, अब आपको ए से आर 4.5 सेंटीमीटर, ए पे कंपास रखे 4.5 सेंटीमीटर का आप कट लगाइए जिसे नाम देंगे आर, यहाँ लिखिए 4.5 सेंटीमीटर। सिमिलरली अब ई से देखिए डी पे कितना है 4 सेंटीमीटर, ई से डी पे आप 4 सेंटीमीटर का कट लगाइए जिसे नाम दे दीजिए आप डी, आर और डी को आप ज्वाइन कर दीजिए, यहाँ लिख दीजिए 4 सेंटीमीटर, ये आपका बन गया TEAR is a quadrilateral, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन में आपको 60 डिग्री 90 डिग्री कैसे बनाते हो पता ही था, बस हमने उसे कंस्ट्रक्ट किया और आपको जो मेजरमेंट दी थी वहां आर्क लगाया, आपका क्वाड्रिलेटरल TEAR रेडी हो गया। सो नाउ स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, फर्स्ट सबसे पहले आपने क्या किया, आपने ए ई लाइन सेगमेंट ड्रॉ की, तो लिखिए ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए ई इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। सेकेंड स्टेप आपने क्या किया, आपने ए से 90 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट किया, तो सिंपल लैंग्वेज में लिखिए मेक एन एंगल एक्स ए ई इक्वल टू 90 डिग्री। थर्ड पॉइंट में क्या किया, सिमिलरली मेक एन एंगल जेड ई ए इक्वल टू 60 डिग्री, दोनों बना लिए। अब आपने ए को सेंटर मान के 4.5 रेडियस का आर्क लगाया, तो फोर्थ पॉइंट विद ए एज सेंटर ड्रॉ एन आर ऑफ रेडियस 4.5 सेंटीमीटर कट एट आर, जो कि आर पे कट किया। फिफ्थ सेम चीज आपने ई से करी, विथ ई एज सेंटर ड्रॉ एन आर ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर एट डी, ठीक है।
सिक्स पॉइंट में आपने ज्वाइन आर डी, आर डी को ज्वाइन किया. सो व्हाट वी रिक्वायर, डी ई ए आर इज अ रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटर. ये आपका डी ई ए आर एक क्वाड्रिलेटर रेडी हो गया. अब हम करेंगे इसका सेकेंड पार्ट. तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकेंड पार्ट. सेकेंड पार्ट है क्वाड्रिलेटरल टी आर यू. आपको ट्रू क्वाड्रिलेटरली कंस्ट्रक्ट करना है जिसमें टी आर है 3.5, आर यू 3 सेंटीमीटर, यू ई 4 सेंटीमीटर, एंगल आर 75 एंड एंगल यू इज इक्वल टू 120 डिग्री. तो रफ फिगर बनाते हैं हम टी आर यू ई. ट्रू टी आर है आपका 3.5 सेंटीमीटर, आर यू है आपका 3 सेंटीमीटर, यू ई है आपका 4 सेंटीमीटर, एंगल आर है आपका 75 डिग्री एंड एंगल यू है आपका 120 डिग्री. ठीक है. अब सबसे पहले आप क्या करेंगे, हम आर यू लाइन कंस्ट्रक्ट करते हैं. आर यू 3 सेंटीमीटर, राइट. अब R से आपको 75 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करना. तो यहाँ कंपास रखा, सेमी सर्कल बनाया, यहां से मोर देन हाफ है कि यहाँ कट, फिर ये कट यहाँ, ये बन गया आपका 90 डिग्री. जितना ये है उतना यहाँ कंपास रखे कट लगाया, ये बन गया आपका 60 डिग्री. इस बीच में जो बनेगा वो आपका कहलाएगा 75 डिग्री. जो कैसे बनाना है, यहां से मोर देन हाफ लेके कट, यहाँ से सेम उठना कर, तो ये बन गया आपका 75 डिग्री. इसे नाम दे देते हैं हम X. ठीक है. अब हमने U पे कंपास रखा और सेमी सर्कल बनाया, यहाँ से मेजर किया, पहला कट 60, दूसरा कट किया 120. ये आपका बन गया एंगल Z यहाँ पे 120 डिग्री, राइट. अब देखिए आपने यहाँ R है, R से T आपको 3.5 का कट लगाना है. यहाँ कंपास रखा, पेंसिल से 3.5 का कट लगाया टी पे, इसे पॉइंट लिखिए 3.5 सेंटीमीटर. यू पे देखिए, यू से ये कितना है 4, यहाँ कंपास रखा, 4 सेंटीमीटर का कट लगाया, इसे नाम दे दिया ई. अब आपने टी और ई को ज्वाइन कर दिया, आपके पास मिल गया टी आर यू ई इज अ क्वाड्रिलेटर. अब हम लिखते हैं इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन. स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन. फर्स्ट स्टेप, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट. सबसे पहले आपने लाइन सेगमेंट ड्रॉ करी. ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट आर यू इक्वल टू 3 सेंटीमीटर. सेकेंड आपने क्या किया, आर से 75 डिग्री का एंगल बनाया. मेक एन एंगल X R U equal to 75 degree. Third step में similarly make an angle Z U R equal to 120 degree. ठीक है. Fourth step में आपने क्या किया, R से T पे 3.5 का कट लगाया with R as सेंटर. सिंपल लिख सकते हैं कट या फिर पूरा लिखे ड्रॉ एन आर ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर. ठीक है. एट टी. फिफ्थ पॉइंट विद यू एज सेंटर कट UE equal to 4 centimeter. देखिए सिंपल लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं या फिर पूरा भी. तो मैंने दोनों पॉइंट की अलग अलग उसमें लिख दिए. आप इस लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, इस लैंग्वेज में. सिक्स पॉइंट आपने क्या किया, ज्वाइन टी ई, ज्वाइन कर दिया. सो टी आर यू ई इज अ रिक्वायर्ड क्वाड्री. ठीक है. तो एक्सरसाइज 4.4 में फर्स्ट क्वेश्चन के दो पार्ट हमने किए और दोनों ही पार्ट्स काफी हद तक सेम थे,
बस आपको जो मैंने एंगल कंस्ट्रक्शन बताया था कि 90, 60, 120 किस तरीके से कंस्ट्रक्ट होता है वो आपको आना चाहिए, तो ये क्वेश्चन आपके लिए और भी इजी हो जाएंगे। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर करना ना भूलें, और अगर चैनल में नए आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।